सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। 45 साल माफ कीजिएगा 43 साल में पहली बार हुए अतीक अहमद को सजा। बड़ी खबर, अतीक अहमद को सजा सुना दी गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माफिया अतीक अहमद को 17 साल पुराने अपहरण कांड में अतीक अहमद को सजा मिली है। अतीक समेत तीनों जो आरोपी हैं, अतीक और उसके अन्य दो साथी, तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। उमेश पाल केस में अतीक को ये सजा दी गई है। हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा के बाद माफिया अतीक अहमद ने जज से कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे साबरमती जेल वापस भेज दिया जाए। बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके अन्य दो साथियों को मिलाकर उम्र कैद की सजा दी गई है। आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई है। बता दें कि उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत तीन को दोषी की सजा देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई है, इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाई जाए। आप भी सुने। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, उसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मैं मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में दो मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे, तो बताइए जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा है, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। मेरे वकील आ करके इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट जी? बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही? बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें
खत्म करें, चाहे जो जाए ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं। लखनऊ से खबर है जहां पर 6 साल यूपी खुशहाल की होर्डिंग में देश के पीएम और यूपी के सीएम की तस्वीरें उल्टी देखने को मिली। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के NH4 हाईवे के किनारे लगी एक होर्डिंग में पीएम और सीएम की उल्टी तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा से अगली खबर है जहां पर एक NRI बुजुर्ग न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा, कई बार पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात कर चुका है NRI बुजुर्ग, प्रशासनिक अधिकारियों से भी गुहार लगा चुका है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब बुजुर्ग ने ऐलान किया है कि अगर उसे स्थानीय स्तर पर इंसाफ नहीं मिलेगा तो मजबूरन होकर उसे सीएम आवास पर भूख हड़ताल पर बैठना होगा और वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगा। जो मेरे संबंधी हैं उनसे सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ दूरभाष द्वारा कि मेरी संपत्ति के लिए मेरे सबसे बड़े भाई जो अनमेरिड हैं सत्येन कुमार और उनका मेरा छोटा भतीजा महेश कुमार और उसकी पत्नी संगीता कुलश्रेष्ठ, सत्येन कुमार ने संगीता कुलश्रेष्ठ के नाम पूरा मकान जो 10 करोड़ का मकान है नगला छबीरा में, जो पैतृक मकान जिसमें 5 रिश्तेदार हम 3 भाई और 2 बहन होते हैं, पूरा मकान डोनेट 15 नवंबर को किया रजिस्ट्री से। उसके बाद वहीं ओपन लैंड थी करीब 3500 स्क्वायर मीटर, 3500 स्क्वायर मीटर में भी 5 हिस्से होते थे लेकिन उसका 1/3 उन्होंने संगीता कुलश्रेष्ठ के नाम रजिस्ट्री कर दी, जिसमें गवाह संगीता कुलश्रेष्ठ के पति मनीष कुमार और उनका बेटा यश कुलश्रेष्ठ। अब यहाँ देखिए मकान तो पूरा डोनेट कर दिया और जो ओपन लैंड रेजिडेंशियल में वो आबादी वो 1/3 की, ये अपने आप में एक डॉक्यूमेंट्री। अभी यूपी के बुलंदशहर में आज शिकारपुर तहसील में DM चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर SDM तहसीलदार को दिशा निर्देश भी दिए तो वहीं उन्होंने इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर जल्द निपटाने के SDM तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ जगहों पे ताकि चीजें पारदर्शिता बने और मैंने ये भी देखा है कि कई किसान जमीन पे फर्श पे बैठे हुए हैं। मैंने SDM साहब से अनुरोध किया है तो उनके पास पैसा भी है कि वहाँ बेंचेज वगैरह बैठवा दी जाए ताकि कोई आदमी जमीन पे ना बैठे। अच्छा सर, आपके द्वारा लगातार क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है और ये मौसम देखिए काफी किसान लोग किसान भाइयों ने अपने फसल का बीमा करा रखा है। मैंने सभी से अनुरोध किया हुआ है कि पहले तो कृषि विभाग, राजस्व विभाग और किसान तत्काल उसका सर्वे करा ले ताकि ये जो बरसात अभी हुई थी ये बीमा से कवर है। सभी किसान भाइयों जिनका नुकसान है वो मिल जाए। कुछ किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनका बीमा से कवर नहीं है। मैंने अपने सभी SDM तहसीलदार को कहा है। रायबरेली के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के दिशा निर्देशन में रायबरेली बछरावा पुलिस की तरफ से एक और ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि 25 मार्च को एक युवक की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बछरावा थाना प्रभारी नारायण कुशवाहा अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के द्वारा टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल के साथ 3 अभियुक्तों को धर दबोचा। शामिल 5 लोगों में से 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अगली खबर रायबरेली से है। बताते चले कि घर से निकले एक युवक का जब 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है।
तो अगली खबर बुलंदशहर से है। बताते चले कि यूपी के बुलंदशहर में एक बेटी ही अपने माँ पिता की हत्यारी निकली। दरअसल एक बेटी ने अपने माता पिता की हत्या की खौफनाक कहानी लिखी। सबसे पहले हत्यारी बेटी ने अपने माता पिता के पैर दबाए, उनकी सेवा की, फिर उन्हें दूध में नशे की गोली मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर हत्यारी बेटी ने उस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। दरअसल बेहोशी की हालत में नाबालिग हत्यारी बेटी ने अपने माता पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किए और उनकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस के मुताबिक बेटी ने प्रेम संबंधों के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शिकारपुर में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति अपने घर के बाहर जो मचान है उस पर सो रहे थे और वहां पर मृत पाए गए हैं। इस संबंध में घटना के अनावरण के लिए सीओ शिकारपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके क्रम में आज इनकी टीम द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि जो दंपत्ति थे उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के करीब है, उसके द्वारा ही इन दोनों की हत्या कर दी गई। जब इससे पूछताछ की गई तो ये बताया गया कि इससे इसके अन्य लड़कों से बात जो होती थी उसको लेकर इसके माता पिता नाखुश रहते थे और इसकी कई बार मार पिटाई करते थे, जिससे ये काफ़ी दिनों से क्षुब्ध थी। इससे पूर्व भी इसने एक बार प्लानिंग करी थी, हालांकि उस समय ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। घटना वाले यूपी के बिजनौर में इन दिनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुलदार ने आतंक बरपा रखा है। एक ओर जहां हादरपुर गांव में एक सप्ताह में दो बार किसानों ने गुलदार को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द किया, तो वहीं आज नसीरी गांव में भी खेत पर काम करने गए एक युवक पर गुलदार ने हमला बोल दिया। हमले में युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। बाद में गुलदार के हमले की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर घंटों बीत जाने के बाद भी वन विभाग की टीम ने मौके पर जाना गवारा नहीं समझा। गांव में लगातार 15 दिनों से आबादी के नजदीक गुलदार की दस्तक है और वन विभाग को लिखित में शिकायत भी दी गई है, लेकिन वन विभाग की टीम ने घटना स्थल पर जाना जरूरी नहीं समझा। गुलदार तो हमारे यहाँ जी 10-15 दिन से लगभग दिखा जा रहा है, कई बार ताली भरते हुए भी यहाँ पर दिखाई दिया। हमारे चाचा हैं सुंदर सिंह, ये घर रहे थे, बड़े चाचा थे कुलवीर सिंह जी, मनोकर थे, गौरव सिंह थे हमारे यहाँ, उन्होंने दो गुलदार देखे यहाँ पे। और हमारे यहाँ जो है पास में आबादी है, पास में ही पीछे यहीं लगी हुई है बिल्कुल, बिल्डिंग के बाग है यहाँ, यहाँ घूमते रहते हैं, कई बार दिखाई दिया। और कल हमारे यहाँ चाचा सुरेंद्र सिंह के यहाँ लगा है, ये इधर से इसके ऊपर हमला किया गया है। ये हमारे डॉक्टर साहब थे यहाँ पास पास में, इधर भागे इधर से दो गुलदार, तब इधर से अंदर घुसे ये निकल गए इधर से। तब क्या वन विभाग भी यहाँ बराबर थे। कल हमने वन विभाग में जो है डीएफओ साहब को एक लेटर दिया है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन यूपी के अयोध्या जिले में कैशपार माइक्रो क्रेडिट संस्था के द्वारा अपने सदस्यों को वित्तीय जागरूकता और उनके हितों पर लगने वाले पूरे खर्चों और आचार संहिता शिकायत निवारण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आरबीआई के जारी किए गए नए दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ पर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को कैशपार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। कार्य कर रही है जिसमें गरीब सदस्यों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं, उनको वित्तीय सहायता देके उनसे रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रही है, ताकि अपना कोई व्यवसाय करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसमें जुड़ने की प्रक्रिया यह है कि कोई भी किसी भी गाँव में जो गरीब हों और उनको बिजनेस करने की इच्छा हो, हमसे आके जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए उनको 10 से 15 लोगों का एक समूह बनाना होगा और अपने समूह में एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। अगर सभी लोग व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो आके हमसे जुड़ें और इसका लाभ लें और अपने परिवार।
रायबरेली से खबर है, बताते चले कि घर से निकले एक युवक का जब 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मेरा भतीजा खो गया है और 22 तारीख को दिन को गया, वो 3-4 बजे रायबरेली काम से, वहीं से अभी तक वापस नहीं आया। इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने मलेरिया से किया है शिकायत, आज 3-4 दिन हो गए हैं पर कोई सूचना, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आगे से आगे बढ़ूंगी और आगे शिकायत पहुंचाऊंगी। समस्या ये है कि ये मेरा भतीजा है, 22 तारीख को बुधवार को रायबरेली गया था काम की तलाश में, वहीं से गुम हो गया, आज तक वापस ही नहीं आया है। आपने कहीं शिकायत की इसकी? मैंने मलेरिया में कंप्लेन किया है, आज 4 दिन हो गए। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने आगामी चुनावों को देखते हुए ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से एक बड़ा अभियान शुरू करने की बात कही है। बीजेपी की तरफ से मंगलवार 28 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि ओबीसी समुदाय को मोदी सरकार की उपलब्धियां और इस वर्ग के लिए किए गए सरकार के कामों की जानकारी देने के लिए कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। आप भी सुने। जो ओबीसी समाज के और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को बार बार उनके जाति के नाम पर टिप्पणी देना, उनके जाति के नाम पर आपत्तिजनक शब्द अपशब्द उपयोग करना, ये कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी नेहरू फैमिली को ये हालत पड़ेगी। इसलिए हम ये अभियान के अंदर इन मुद्दों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने का डिमांड भी लोगों के बीच में लेते हुए हर गांव में चौपाल के पास संवाद करेंगे लोगों के साथ, किस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और नेहरू से लेकर कांग्रेस और मोदी जी ने और किस तरह ओबीसी समाज को मान्यता दिया गया, ये भी हम जरूर तुलना करेंगे। आने वाले आगामी चुनाव में ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जो ओबीसी मोर्चा गठित हुआ, सक्रिय जो भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जरूर ओबीसी समाज का समर्थन पाते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ओबीसी समाज का समर्थन प्राप्त करते हुए हम सत्ता में आएंगे, डबल इंजन सरकार बनाएंगे। ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अभियान गांव गांव चलो घर घर चलो के तहत मोर्चा देश के सभी राज्यों में लगभग 1 लाख गांव तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लगभग 1 करोड़ गांवों तक संपर्क करेंगे। ये अभियान पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जयंती उत्सव तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती महोत्सव दिवस मनाता है। ये तीनों दिवस भी हमारे ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता गांवों में मनाएंगे और 6 अप्रैल हमारा गांव गांव चलो अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मनेसर हरियाणा प्रदेश से शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ओबीसी समाज को किस तरह मान सम्मान बढ़ाया। और राहुल गांधी की सांसदी जाने के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा, वहीं बीजेपी भी शांत नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगातार घेर रही है। आज सुबह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी का अपमान करते करते ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, जबकि पीएम ने हमेशा से कहा है कि आप
मेरा चाहे जितना अपमान कर लीजिए लेकिन देश का अपमान मत करिए। आप भी सुने। मेरा प्रश्न है और पहले भी एक इंटरव्यू में 5 प्रश्न रहे थे जिसका आज तक राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। अगर इतने घनिष्ठ संबंध किसी के हैं तो रॉबर्ट वाड्रा अडानी जी के साथ हाथ में हाथ डाले काहे घूम रहे हैं। मैं आपका ध्यान दोबारा आकृष्ट करती हूं। राहुल गांधी ने जो एक मैगजीन के इंटरव्यू में कहा कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है नरेंद्र मोदी की इमेज को तार तार करना, उनको ना लोकतंत्र से सरोकार है, ना कोर्ट की मैजेस्टी से सरोकार है, ना वो ओबीसी समुदाय के प्रति कोई सम्मान रखते हैं, उनका टारगेट सिर्फ मोदी है, मोदी का टारगेट सिर्फ देश का विकास है, घर उनका नहीं है जनता का है। देखिए कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। मैं जानती हूँ क्या कहा है शब्द राहुल गांधी के है, संस्कार सोनिया गांधी का है, बस जबान युवा कांग्रेस की है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए कहती हूँ शब्द राहुल गांधी के हैं, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, और जब तक ये दो हैं तब तक कांग्रेस का वो नेता जो प्रमोशन चाहेगा मुझ पर इस प्रकार की टिप्पणियां करता रहे। मैं इतना ही कहूंगी कि जिसको समर्थन देने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी पड़ रही है। मेरा प्रश्न है और तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस वार्ता की और राहुल गांधी से सवाल किए, उनके संस्कारों पर तीखे वार किए। अब उस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं, और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है, और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार आरएसएस के हैं। जो ट्रेनिंग स्मृति जी की झूठ बोलने के लिए हुई है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। असलियत यह है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लगातार झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। असलियत यह है कि अडानी मोदी के संबंधों की परत खुल रही है और जनता देख रही है, जनता समझ रही है क्या हो रहा है। स्मृति ईरानी। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।